नगर निगम के सदन हाल में बृहस्पतिवार को महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की 11वीं बैठक सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आहूत की गई, जिसमें सर्वसम्मति से विभिन्न निर्णय लिए गए। इस दौरान कार्यसूची के एजेंडा के अनुसार नगर निगम कार्यकारी समिति की 11वीं बैठक की कार्रवाई की पुष्टि की गई। साथ ही कार्यकारी समिति की 9वीं और 10वीं बैठक की कार्रवाई के अनुपालन आख्या पर विचार विमर्श कर पुष्टि की गई। इस दौरान महापौर द्वारा सभी मौजूद लोगों का आभार व्यक्त करते हुए नगर निगम के सभी पार्षदों द्वारा कोविड-19 में गोरखपुर एवं बाहर से आने वाले लोगों का काफ़ी सहयोग किया गया, जिस पर सभी प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बधाई दी गई कि बिना भेदभाव के कोरोना से बचाने एवं उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड जांच कराने के लिए बधाई के पात्र हैं। बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गई। बैठक में महापौर के साथ उपसभापति अजय राय, शकुन मिश्रा, मनु जायसवाल, संजीव सिंह सोनू, राम भुवाल कुशवाहा, सवि कुमार चौहान, अभिषेक निषाद, आनंद वर्धन सिंह, आलोक सिंह विशेन, राजेश तिवारी, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, संयुक्त नगर आयुक्त अवनींद कुमार, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी, मुख्य अभियंता सुरेश चंद, मुख्य नगर लेखा परीक्षक हुबई चौहान, लेखाधिकारी अमरेश बहादुर पाल, अनुप मिश्रा, अधिशासी अभियंता जलकल मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, सभापति के कक्ष में संपन्न हुई थी, जिसमें नामकरण समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे। एक तो मैं खुद उपस्थित था, मनु जायसवाल, शकुन मिश्रा और अभिषेक कुमार भी और आनंद भी। इसमें वार्ड नंबर 69 में स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के प्रतिमा चौराहे से जीजे टावर होते हुए पार्क रोड तक सड़क का नामकरण प्रख्यात चिकित्सक पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर वाईजी सिंह के नाम से किया गया। वार्ड नंबर 52 मियाँ बाजार में घोष कंपनी चौक से हट्टी माई मंदिर तक जाने वाली सड़क का नामकरण स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण शाही के नाम पर किया गया। वार्ड नंबर 37 शक्ति नगर में घोष कंपाउंड सड़क का नाम स्वर्गीय धीरज सिंह के नाम पर किया गया। वार्ड नंबर 37 शक्ति नगर में पारस हाता की सड़क का नाम स्वर्गीय मैनेजर द्विवेदी के नाम पर किया गया। वार्ड नंबर 65 मोहित सुगरपुर में दुर्गा चौक से बुद्धू सेठ के दुकान तक सड़क का नाम स्वर्गीय डॉक्टर विष्णु शंकर सिंह उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम पर किया गया। वार्ड नंबर 56 सुभाष चंद्र बोस नगर में सिधारीपुर से पावर हाउस तक की सड़क का नाम शहीद स्वर्गीय आलोक त्रिपाठी के नाम पर किया गया। वार्ड नंबर 32 माधोपुर में पावर हाउस हाइडिल चौक से माधोपुर प्राइमरी स्कूल तक की सड़क का नाम स्वर्गीय लक्ष्मी शंकर खरे पूर्व चेयरमैन नगर पालिका के नाम पर किया गया। वार्ड नंबर 44 उर्वरक नगर में झुंगिया गेट से केंद्रीय विद्यालय तक की सड़क का नाम स्वर्गीय लीलावती देवी माता श्री मनोज सिंह पूर्व पार्षद के नाम पर किया गया। वार्ड नंबर 6 चरगावा में सेंट्रल बैंक से हरदेवपुर नंबर 1 नवल सेकेंडरी स्कूल डॉक्टर साहिद से रेल विहार मुख्य मार्ग को स्वर्गीय श्रीमती प्रभावती देवी पत्नी संतरा शर्मा मानी पार्षद जी चरगावा के नाम पर किया गया। वार्ड नंबर 42 कुर्दीपुर में स्थित नवनिर्मित सामुदायिक भवन का नामकरण शांति कुंज के नाम से किया गया। वार्ड नंबर 7 राप्तीनगर में राप्तीनगर चौराहे से अन्नपूर्णा प्रोजन स्टोर तक की सड़क का नाम श्रीमती सचिव सिंह माता श्री ब्रजेश सिंह छोटू जी माननीय पार्षद के नाम से किया गया। वार्ड नंबर 17 जंगल तुलसीराम बिछिया पश्चिमी अकुलवा के पास नई विकसित कॉलोनी का नाम अयोध्यापुरम किया गया। वार्ड नंबर 30 महवा के अंतर्गत गालन टोला में शिव मंदिर से श्री रामानंद की दुकान तक सड़क का नाम स्वर्गीय शंकर लाल कुशवाहा के नाम पर किया गया। वार्ड नंबर 4 में करीम नगर चौराहे से 200 मीटर उत्तर जो कॉलोनी बसी है उसका नाम गोरखपुरम राप्ती विहार किया गया। वार्ड नंबर 39 धर्मशाला बाजार के अंतर्गत मोती इंजीनियरिंग से लेकर हरी ट्रेडर्स तक सड़क का नाम स्वर्गीय प्रभावती देवी के नाम से किया गया।
वार्ड नंबर 40 के अंतर्गत आत्माराम दुबे मार्ग से डॉक्टर राम रतन बनर्जी तक सड़क का नाम डॉक्टर राम रतन बनर्जी मार्ग किया गया। ये सभी प्रस्ताव नामकरण समिति से पास होकर आपकी कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत है। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक थी। कार्यकारिणी की बैठक में जनहित के मुद्दों को स्वीकृति दी गई है और बहुत दिनों से कुछ काम, छोटे छोटे काम रुके हुए थे जिसको कराने के लिए नगर निगम द्वारा पार्षदों को 5-5 लाख रुपया बोर्ड फंड से स्वीकृत किया गया है और जो मरम्मत का काम है, जो जहाँ सड़कें गड्ढी है उसको रिपेयरिंग के लिए भी नगर निगम को पैसे दिए गए हैं कि उसे गड्ढा मुक्त करें। आने वाले दिनों में दशहरा दीपावली है और जो हमारी सड़कें स्वीकृत है, मुख्यमंत्री जी जल्द ही उसका शिलान्यास करने वाले हैं। करीब 140-142 सड़कें स्वीकृत हैं, वो बन जाएगा तो हमें त्यौहार में उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आज सभी पार्षदों ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि विज्ञापन के नाम पर नगर निगम को पैसे नहीं मिलते थे, उसमें कानूनी अड़चन थी, उस बिल को स्वीकृत किया है अनुज्ञा शुल्क के नाम पर, जिसे जगह के हिसाब से, कमर्शियल जगह के हिसाब से अनुज्ञा शुल्क लिया जाएगा, जो कि स्वीकृति हमारे सभी पार्षदों ने दे दिए, कार्यकारिणी पार्षदों ने। इसका स्वीकृति हम लोग बोर्ड से ले लेंगे। ये सारे काम हुए हैं और साथ ही साथ मैंने अपने सभी पार्षदों को बधाई दिया है। कोरोना काल में जिन लोग इन्होंने समर्पित होकर समाज के लोगों की, जरूरतमंदों की सेवा की है, उसके लिए मैंने उन्हें आभार प्रकट किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो अन्य प्रदेशों से लोग गोरखपुर में आए, उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया और घर घर तक लोगों को पहुंचाया। सदन ने आज कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दिया गया है। और भी हम लोग जो शहर में बहुत सारे लोग बिना मास्क लगाए, दूरी बनाए कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं, उनके लिए कुछ हम लोग मास्क उपलब्ध कराएंगे पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिससे कि कोरोना की भयावहता कम हो। इन सब बातों को लेकर हम लोग ने मीटिंग किया, बहुत ही सफल मीटिंग रही है। मैंने सभी अधिकारियों और अपने सभी कार्यकारिणी पार्षदों को धन्यवाद दिया है। इसी के साथ मीटिंग समाप्त करती है।